The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Panda. So antacids, antacids kya hai, ye kyu lete hain? Antacids lete hain indigestion ke liye, heartburn ke liye, stomach ka acid neutralize karne ke liye, jiske wajah se upar aake wo heartburn karta hai. Aur antacid le sakte ho aap gastric ulcers ke liye, ulcers hai to uske liye. Lekin antacid without a prescription mil jate hain, to aapko samajhna padega kab tak lene hain, kab tak nahi lene hain. Bhai zindagi bhar thodi lene hain, ye koi wo thodi hai meethi goli, right? Kuch bhi khai jao, ye koi protein wali cheez nahi hai, ye koi vitamin nahi hai, right? ऑब्वियसली देखिए, एक पहली चीज तो समझो, एंट एसिड जो लिक्विड फॉर्म में है वो जल्दी और जल्दी काम करेगा. बेटर कौन सा करेगा ये फर्क पड़ेगा, कौन से टाइप का एंट एसिड है जल्दी काम करेगा, लिक्विड या फिर सैशे. सैशे जो आता है जो उसको पानी में घोल के पीते हैं, दैट वर्क्स फास्ट, दैट्स व्हाई इनो वर्क्स फास्ट, इनो दे झट से आराम, राइट. एंट एसिड्स जो बाकी सारे इक्वली वेल काम करते हैं, बट देन उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं. और एंट एसिड्स के जो साइड इफेक्ट्स के लिए आप कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. उसके लिए आप अपने हमेशा हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें, कितने टाइम लेना है, लंबे समय में क्या साइड इफेक्ट के लिए नज़र रखनी है. तो किसको यूज़ करना है एंट एसिड भैया? एंट एसिड अगर किसी को कभी कभार हार्ट बर्न होता है उसको नहीं यूज़ करना है, राइट. अगर आपको हार्ट बर्न होता है हर बार, तो आप खाना खाने से एक घंटा पहले एंट एसिड यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको सिम्टम हो रहे हैं तो, राइट. खाना खाने के साथ नहीं लेना, एक घंटा आधा घंटा पहले, तभी काम करेगी एंट एसिड, एक घंटा पहले. एंट एसिड के नॉट ट्रीट मोर सीरियस प्रॉब्लम. मान लो आपको अपेंडिसाइटिस हो गया, आपको गॉल स्टोन है, आपको स्टमक में यह बड़ा वाला अल्सर है, आपको बॉवल प्रॉब्लम है, राइट. तो फिर उसके सिर्फ एंट एसिड से काम नहीं होगा, राइट. एंट एसिड से थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन, राइट. सो टॉक टू योर डॉक्टर. अगर आपको पेन हो रहा है, कोई और सिम्टम है, एंट एसिड लेने के बावजूद दर्द हो रहा है, सिम्टम्स रात दिन हो रहा है, और वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, भाई जोरदार चीज़ है ब्लीडिंग, डार्क कलर के लैटरिन आ रही है, काले रंग की ब्लैक डाम्बर, ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है, लोअर साइड पेट पेट में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या फीवर हो रहा है, ऐसी कोई भी चीज, छाती में दर्द हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, खाना निगलने में प्रॉब्लम हो, या ऐसा कोई वेट लॉस हो जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो फिर हमें और जांचों की जरूरत है. वी नीड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द रीजन. वेरी सिंपल, गो टू अ डॉक्टर, राइट. सो एंट एसिड, एंट एसिड के साइड इफेक्ट भी जानना जरूरी है भैया. एंट एसिड में याद रखिए, मेन चीज़ याद रखिए, आपको एंट एसिड से साइड इफेक्ट, तीन मेन इन्ग्रीडियंट्स होते हैं एंट एसिड में, तीन मेन बेसिक मतलब सबसे बेसिक, राइट. नंबर वन इज मैग्नीशियम. तो एंट एसिड में कई बार मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम कैन कॉज डायरिया, मैग्नीशियम से डायरिया हो सकता है. एंट एसिड में कई बार कैल्शियम होता है या एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, दैट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. और रेयरली कैल्शियम ब्रांड्स किडनी स्टोन्स भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हर तरफ से कैल्शियम खा रहे हो. कैल्शियम ही कैल्शियम, नॉर्मली तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है इंडिया में, मगर ऐसी जगहों पे जहाँ कैल्शियम धुआंधार तरीके से चल रहा है, तब इसमें भी कैल्शियम, उसमें भी कैल्शियम, और खाने में भी कैल्शियम, और दूध में भी फोर्टिफाइड, और सीरियल में भी फोर्टिफाइड, और इसमें भी फोर्टिफाइड, और सब कैल्शियम, तब गड़बड़ हो सकती है, राइट. और अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में एल्यूमिनियम वाला एंट एसिड लेते हो, तो आपके एक्चुअल कैल्शियम लॉस होता है, जी हाँ, जिससे आपकी बोन वीक होके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. सो दैट हैज़ टू बी सीन. सो टेस्ट के बगैर एकदम अपना वो मत निकालना कि अरे सर मेरे तो यहाँ लाइन आ गई, मेरे तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, ऐसा कुछ साइन नहीं होता है, कोई फिक्स साइन नहीं है ऐसा, राइट. याद रखिएगा, एंट एसिड कैन एक्चुअली चेंज योर बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मेडिसिन ऑल्सो, ये याद रखिए. तो कुछ दवाओं के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए बेस्ट वे टू टेक एनी मेडिसिन एंट एसिड इज या तो एक घंटा बिफोर फूड, राइट, आइदर वन आवर बिफोर और फोर आवर्स, मतलब मैं किसी भी दवा की बात कर रहा हूँ. अगर आप दवा लेना चाहते हो, दूसरी कोई दवा, तो उसको एंट एसिड के साथ मत लो. टेक अदर मेडिसिन या तो एक घंटा पहले एंट एसिड के, यानी दो घंटा फूड के पहले, या फिर एंट एसिड लेने के चार घंटे के बाद दूसरी कोई दवा लो. अवॉइड टेकिंग अदर मेडिसिन विथ एंट एसिड, रिमेंबर दिस पॉइंट. देन अगर आपको कोई एंट एसिड रेगुलर बेसिस पे, लंबे बेसिस पे ले रहे हो, तो याद रखो इन सब चीज़ों के बारे में. अगर आपको किडनी की डिजीज़ है तो डॉक्टर से बात करो, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, तो डॉक्टर से बात करो. अगर आप लो सोडियम डाइट पे हो, कि भाई बीपी कम करना है, लो सोडियम, तो
अगर आप ऑलरेडी कोई कैल्शियम ले रहे हो तो, बिकॉज मैनी एंटासिड सिरप्स हैव कैल्शियम भरा पड़ा। और अगर आप कोई और दवा ले रहे हो, दवा के बारे में बताओ, किडनी स्टोन है तो उसके बारे में बताओ। याद रखिए एंटासिड के बारे में ये सारे बेसिक्स, चाहे वो कोई भी एंटासिड हो, डजेंट मैटर, उसमें ये तीन बेसिक चीज़ें ज़रूर होती है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। उसके अलावा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो है, ये है, वो अलग है, वो एंटी एसिड नहीं है, वो एसिड कम करने वाली चीज़, ये एंटी एसिड है। एंटी एसिड मीन्स जाके नीचे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो हम एंटी एसिड की बात कर रहे थे, जो सिरप्स की बात कर रहे थे, कई बार गोली भी आती है उसकी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। उस चीज़ के बारे में हमने हम बाद में बात करेंगे, अगर हम बात करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और दूसरी तरीके की एसिडिटी की मेडिसिन, ओके।